हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ अमिर और आप देख रहे हैं टेक्साफ्ट। दोस्तों, अगर आप वीवो का V25 प्रो को डेमो अनलॉक करने के लिए इस वीडियो पर आए हैं तो मैं आपको बता दूँ, सिर्फ और सिर्फ एक टूल है TFM फिलहाल की डेट में, जिसमें कि डेमो अनलॉक हो रहा है। इसके अलावा कोई भी टूल सपोर्ट नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि अनलॉक टूल में कब सपोर्ट आएगा। भाई, अनलॉक टूल का भी मामला थोड़ा सा मसला चल रहा है, क्योंकि वो MTK का मसला अभी हल नहीं हुआ है। जिस दिन वो हल होगा तो वो अपडेट ऑटोमेटिक सब में आ जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं V23 सीरीज़ है और सीरीज है, बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जो कि फिलहाल की डेट में अनलॉक नहीं हो रहे थे। एक ये टूल है TFM टूल प्रो, लेकिन इसमें आज सर्वर डाउन था। आज मैंने बहुत ट्राई करा, दो तीन सेट थे डेमो के, Y73 था अनलॉकिंग के लिए, लास्ट में आकर सर्वर एरर आ रहा था। ठीक है, इसको अनलॉक करने का तरीका सबसे अच्छा यही है कि आप TFM टूल प्रो पर जाओ और यहाँ से इनकी वेबसाइट पर आप लॉग इन करें। एक सेकेंड, लॉग इन करें और ठीक है, और अगर आपका एरर आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा सा देखें, इसके बाद हम सैमसंग के बारे में बात करेंगे, सैमसंग का न्यू अपडेट क्या है और सैमसंग के फ़ोन अनलॉक क्यों नहीं हो रहे हैं। यहाँ से आप इसको लॉग इन करें तो पासवर्ड सेव नहीं हो रहा। डिवाइस फिंगरप्रिंट में जाओ और अपना जो फिंगरप्रिंट है, मैंने आपको बता दिया है कि जैसे कि 3 घंटे का टाइम होता है अनलॉक टूल के अंदर, ऐसे ही 1 घंटे, वो 2 घंटे का टाइम होता है इस टूल के अंदर, TFM के अंदर। हमारा क्या है, AAA है, तो ये करके और इसको हम लिंक कर देंगे यहाँ से। ये लिंक हो गया, अब यहाँ से लॉग इन करेंगे आप तो ये लॉग इन हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी और के PC में करना हो तो पहले वो PC सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, कुछ लोग मेरे से ये बात पूछ रहे थे। इस पासवर्ड का कोई मसला नहीं है, जब तक मैं एक्सेस नहीं दूंगा तो कुछ नहीं होगा। आप यहाँ से मॉडल सिलेक्ट कर रहे हैं, और क्योंकि मैंने वीवो का V25 प्रो अनलॉक करा था, एक सेट करा था, तो उसके बाद वो सेट नहीं हुआ। यहाँ से डेमो अनलॉक करें तो लास्ट में आके वो एरर आ रहा है। तो आज की डेट अपडेट यही है कि आज के टाइम अभी नहीं हो रहा है, हो सकता है कुछ टाइम बाद आपका EMT UMT वगैरह जो भी टूल होते हैं अनलॉक टूल वगैरह में अपडेट आ जाए। जिस दिन ये क्रैक, जैसे कि अभी सर्वर का मसला इसके साथ चल रहा है, TFM के साथ इन्होंने और दे रखी है, क्रेडिट से कर रहे हैं, तो अभी कुछ देख लेना आप, UMT वगैरह सब अपडेट देना शुरू कर देंगे। यही हाल है, हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, कुछ एक टूल को पता चल जाए तो वो गेम सब खेलना शुरू कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की डेट में सैमसंग FRP के ऊपर मसला ये बन रहा है कि जो कोड काम करता था, *#0*# आप डायल करते थे और आप अनलॉक टूल से या फिर जो FRP का टूल था या फिर मार्केट के अंदर बहुत सारे टूल चले थे, उनसे आप रीसेट FRP कर लेते थे, वो ADB ड्राइवर बना लेता था। लेकिन आज की डेट में न्यू सिक्योरिटी आई है तो कोड तो काम कर रहा है लेकिन ADB ड्राइवर नहीं बना पा रहा है। उसका सॉल्यूशन सिर्फ आप बाईपास कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन की ID सबके ऑन हो चुकी है। मस्ट टूल जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मस्ट टूल जो है जो कि सैमसंग FRP के तहत इंडियन ओनली, अगर आप किसी अदर कंट्री के हैं तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। WW जो कंट्री होती है जिससे हम लोग वर्ल्ड वाइड कहते हैं, उसके लिए अलग टूल होता है, वो अलग क्रेडिट के साथ यूज़ होता है। ठीक है, जो मस्ट टूल है वो अब फिलहाल के लिए इंडियन हो चुका है, वरना पहले वो भी वर्ल्ड वाइड होता था। क्योंकि हम, मेरे को पता है कि जब मेरे पास था वो टूल तो किसी भी कंट्री का हम सेट कर सकते थे, कोई मसला नहीं था। जैसे मैग्मा के अंदर था, मैग्मा से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट था लोगों को जो वो सैमसंग FRP करता था। लेकिन आज की डेट में अगर आपके पास कोई भी मॉडल है जो कि अनलॉक टूल में सपोर्ट है, उसको तो आप कर सकते हैं। MTK है तो टेस्ट पॉइंट्स है, लेकिन वही है, देखो जैसे सिक्योरिटी बढ़ती है ना, मीडिया टेक की सिक्योरिटी बढ़ी थी तो क्या हुआ था कि EDL कनेक्ट करने पर, टेस्ट पॉइंट कनेक्ट करने पर वो पोर्ट ही नहीं बना रहा है। जैसे कि सैमसंग में हार्ड रिसेट करने पर हार्ड रिसेट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है या फिर रिकवरी में सेट नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे जैसे सिक्योरिटी बढ़ती है, अब सिक्योरिटी ये बढ़ गई कि भैया *#0*# काम तो कर रहा है, ओपन तो हो रहा है ADB, लेकिन वो ADB का ड्राइवर ही नहीं बना रहा। लोग मैसेज कर रहे हैं कि सैमसंग का ड्राइवर की प्रॉब्लम आ रही है क्या। ड्राइवर की प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल में अपडेट आ चुका है। वो कह रहे हैं भैया हम समझ गए हैं कि आप ऐसे बाईपास करो, ऐसे बाईपास नहीं करोगे, आप करवाओगे तो उससे ही हम सही। ठीक है, मैग्मा क्यों बंद हुआ था, इसलिए बंद हुआ था क्योंकि मैग्मा जिस रेट में कर रहा था उससे, जो सस्ते रेट में कर रहा था ना, तो उससे महंगा तो मस्ट टूल था, 50-60 रुपये में मरता, वो तो मैग्मा कर रहा था 20-25 रुपये में, तो इसलिए सैमसंग ने बंद करवा दिया। तो वही चीज़ सैमसंग को यहाँ पता चले कि भैया कोड काम कर रहा है, लेकिन कोड तो काम करेगा लेकिन ड्राइवर नहीं बनाएगा, उन्होंने एक अपडेट दे दिया। देखो आप खुद सोचे इस बात को कि कितना बड़ा गेम चेंज होता होगा एक अपडेट से। कि जैसे मोबाइल की सिक्योरिटी बढ़ी, वहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा अपडेट दिया इस चीज़ का कि कोड काम करेगा लेकिन मोबाइल ड्राइवर नहीं बनाएगा PC के अंदर। तो यही चीज़ होती है, बाईपास करने का तरीका ये होता है कि यूट्यूब पर हज़ारों वीडियोज़ हैं। किसी ने पूछा था कि EMT के अंदर सैमसंग का सपोर्ट कब आएगा, तो भाई ये तो कोई कन्फर्म नहीं है, जो भी दिखा रखा है उन्होंने यही दिखा रखा। सैमसंग ने दे सकते थे लेकिन दिया
हैं कि उन्हें ये बात नहीं समझ में आई। अब इन्होंने फिलहाल के डेट में क्वालकॉम और एमटी का दिया दे सकते हैं, क्योंकि अब इन्होंने अभी वन प्लस भी ऐड कर दिया है, पहले नहीं था, ठीक है, पहले सिर्फ यही थे, हवावी भी तो उन्होंने बाद में ऐड करा, तो हो सकता है इन फ्यूचर कि ये सैमसंग को भी ऐड कर दें, लेकिन आज की डेट में सैमसंग एफ आर पी का सोल्यूशन सिर्फ आप बाईपास कर सकते हैं। लेटेस्ट सिक्योरिटी है तो फिर आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन के अनलॉकिंग का रेट सबका अलग अलग होता है, 350, 400, 450 है। देखो मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर रेट, हमेशा ये बात याद रखिएगा। अगर आपके पास कस्टमर आईफोन 5s लेकर आता है, आप उसकी फ्लैशिंग के 200 रुपये या 250 रुपये बताते हो, कस्टमर देता है, जबकि प्रोसेस सेम है, चाहे आईफोन 5s हो चाहे आईफोन 13 प्रो मैक्स हो, सिर्फ फाइल का फ़र्क है ना, टूल फ्री है, सब कुछ प्रोसेस तो वही है ना, 6-7 GB की फाइल है, उसका टाइमिंग भी इतनी है, फ्लैशिंग भी इतनी हो रही है, सेम प्रोसेस हो रहा है। तो यही चीज़ होता है आपका सैमसंग के अंदर, कि सैमसंग का मॉडल अगर हाई आता है तो आप कस्टमर को हाई रेट बताओगे, S10 आएगा तो ज़्यादा रेट बताओगे भैया, अगर सैमसंग का A50 A20 आएगा तो रेट कम बताओगे। तो इसी चीज़ को लेकर ऑनलाइन वाले भी गेम खेलते हैं, मैं भी ये करता हूँ, पहले मैं कस्टमर से उसका मॉडल पूछता हूँ, तो मॉडल के हिसाब से मेरे को पता होता है कि आपने उसका क्या रेट बताया हुआ। अब सबका मैं एक ही चीज़ में रेट बता दूँ तो उसमें मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, आप इस चीज़ को थोड़ा समझें। इस चीज़ को आप मेरी तरफ भी लें और अपनी तरफ भी लें कि कस्टमर से आपको क्या रेट लेना है, ये चीज़ आप सीख सकते हैं कि डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर क्या रेट चलेगा मार्केट के अंदर, ठीक है। खैर छोटी सी वीडियो बनाई थी आपको मैसेज देने के लिए कि सैमसंग एफ आर पी का आज की डेट में क्या अपडेट है। बाईपास करने का तरीका यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस हैं, आप कर सकते हैं। अगर नहीं हो रही है, बचना चाहते हो बाईपास से, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो फिर आप ऑनलाइन करवा सकते हो, बशर्ते कि आपका सेट इंडियन हो। वो चेक करने का तरीका है मैग्मा के अंदर है, मैग्मा का टूल जो है वो बंद हो चुका है, लेकिन टूल ओपन है लेकिन वो एफ आर पी का बाईपास वो बंद हो चुका है, तो आपको सिर्फ रीड रिफंड निकालना है। अगर INS है या INR आ रहा है या फिर INP आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो वहां से आपका सेट हो सकता है बाईपास हमारे मस्ट टूल से, ठीक है। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी मैसेज चाहिए, कोई भी एक्टिवेशन या अनलॉकिंग वगैरह कराने, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे को, व्हाट्सअप का नंबर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक मार देना, शेयर कर देना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।